हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम फीफी आइलैंड। मैं अभी तक फीफी में ही हूँ। आज का मेरा प्लान था क्राबी जाने का, लेकिन ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एंड काफ़ी चिल्ड आउट है यहाँ पे एम्बियंस। सो मैंने सोचा कि मैं एक दिन और रुक जाती हूँ। सो इसीलिए एक्चुअली मैं कभी कोई बुकिंग्स कराती नहीं हूँ, ताकि मेरा जो ट्रैवल है वो फ्लेक्सिबल रहे। जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ पर एक दिन और रुक सकती हूँ। अगर मैंने क्राबी में स्टे बुक कराया हुआ होता तो मैं चाह के भी नहीं रुक सकती थी। सो इसीलिए एक दिन और रुक गई हूँ मैं आज। कल मेरा क्राबी जाने का प्लान है फिलहाल, बट यू नेवर नो। सो आज की कुछ आइटनरी रखी नहीं है मैंने। डिफरेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब रात को यहाँ पे क्या हाल था एंड अभी इस टाइम देखो पानी कितनी दूर तक चला गया। मैं शाम को आपको दिखाऊंगी कि पानी कितने आगे तक आ जाता है। दिस इज लाइक अमेजिंग। Surprising. Just came to my dorm to change and this is how my hostel dorm looks like. Good morning everyone. So I woke up early today at 5 because I slept early last night. कल मैं रात को पार्टी में थी, मेरा फोन बंद हो गया था तो मैं चार्जर पे लगाने के लिए गई। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ और मैं वहीं सो गई। I just passed out and इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई and I'm so glad. Because it is so breathtakingly beautiful in the morning. Let me show it to you. Look at this, how everything is so quiet and calm. There's no sound at all. The sea is still. इट्स रियली हार्ड टू इमेजिन कि ये वही जगह है जहाँ पे रात को इतनी धम 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 चल रही थी, इतनी पार्टीज हो रही थी। ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। यू नो कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू हाउ द प्लेस इज एक्चुअली लुकिंग। Easy to believe कि ये वही जगह है जो रात को इतनी ज़्यादा हैपनिंग थी। अब मेरे पास सुबह सुबह करने को कुछ है नहीं और पूरे बीच पे दूर दूर तक कोई नहीं है, सब कुछ बंद है, तो मैं अपनी थोड़ी सी सेल्फ पोर्ट्रेट्स खींच लेती हूँ। अपना फ़ोन टिकाया मैंने अपने बैग के पास एंड या लेट मी गो।
फोटोज देखनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ये देखो पानी धीरे धीरे आगे आता जा रहा है। द सी इज अगेन इन इट्स मोशन, टाइड्स, वेव्स, एवरीथिंग इज बैक। सच अ स्ट्रेंज सी इट इज, इसके पानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी एक घंटे पहले तक इसका पानी बहुत दूर तक था, आई कुड वॉक काफ़ी आगे तक, और अभी पानी बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। रात को पानी एकदम यहाँ तक आ जाता है, मतलब सो एक्साइटिंग। मुझे आज क्राबी जाना है और मैंने अभी तक फेरी की टिकट बुक नहीं की है। मैंने वहाँ का हॉस्टल बुक कर दिया है अभी, बट फेरी टिकट अभी तक बुक नहीं की है। सो आई एम आउट इन द मार्केट टू बुक माई फेरी टिकट, एंड द अर्लीस्ट वन अवेलेबल इज़ एट 10:30, बट 9 ऑलरेडी बज चुके हैं और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया। सो आई थिंक 10:30 वाला थोड़ा सा रश हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू रश इट, आई वांट टू डू इट आराम से। सो आई बुक 1:30 वाला फेरी में भी। हाई, आई वांट टू बुक अ फेरी फॉर क्राबी 1:30। विल इट इंक्लूड द ट्रांसफर टू माई होटल इन क्राबी? जस्ट टू द पियर, बट सम पीपल आर ऑफरिंग ट्रांसफर टू माई होटल एज वेल। 3:30, ओके, नॉट बिफोर दैट। So the ferry ticket to Krabi is for the 4:50 baht, which means how much? How much? Calculate कर लो यार, 2.5 से इंटू कर लो। हेलो, from this beautiful day beach club in Phi Island. I know it's little too early for a beach resort, but kya farak padta hai, pura khali hai and it's a very beautiful resort. To bhai aaye to just can't resist, main thoda sa swimming kar leti hu yahan par, bahut hi mazedar jagah hai, I'm loving it. कुछ भी कहो, फ्रूट्स एंड स्मूदीज हेयर इन थाईलैंड आर नेक्स्ट लेवल टेस्टी, सो गुड। सैंडविचेस, क्रोसॉन्स एंड देन ऑमलेट फॉर वेजिटेरियंस, दे हैव दिस ब्रंच प्लेट, टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट, क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओनली थिंग जो कि फिफी में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, दैट इज शॉपिंग। काफ़ी महंगा है यहाँ पे सब कुछ, मतलब राइट फ्रॉम दी आउटफिट्स टू दी सुविनेस, एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग इज प्रीटी एक्सपेंसिव हो गया। शॉपिंग के लिए अभी तक मुझे सिर्फ फुकेट का नाका मार्केट ही अच्छा लगा है, सिर्फ वहीं मुझे सस्ता सामान और अच्छा सामान मिलता है। बाकी अदरवाइज मुझे ना कोपानियान में कुछ खास था शॉपिंग के लिए, ना फीफा में। एंड दे डोंट इवन एंटरटेन बार्गेनिंग, आप थोड़ा सा 2-3 बार अगर बोलोगे कि कम कर दो कम कर दो, दे विल स्ट्रेट अवे आस्क यू टू गो अवे। सो शॉपिंग नहीं, मैम लविंग दिस प्लेस सो मच, आई जस्ट कांट गेट ओवर इट, आई जस्ट डोंट वांट टू गो बैक, आई डोंट वांट टू गो टू क्राबी। बट बुकिंग्स कर ली हैं सारी मैंने, एंड अब कैंसिल करूँगी तो बहुत नुकसान होगा, बिकॉज इट्स ऑल नॉन रिफंडेबल एंड ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो चुका है पहले में। बट दिस प्लेस इज समथिंग एल्स मैन, दिस इज समथिंग एल्स।
buying him. Oh, I don't want to go back. I'm definitely coming here again with my family, like definitely for sure. At least for a week I'm coming here. For sure. Time to leave this beautiful place. शायद मैं आपको बताना भूल गई कि फीजी में आप स्कूटर्स बाइक्स कार्स कुछ रेंट नहीं कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे रोड्स ही नहीं है. इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल आइलैंड विद दीज क्यूट पाथवेज जहाँ पे आप सिर्फ वॉक कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी दिस वॉक इज ब्यूटिफुल एवरी टाइम, लाइक एट एवरी टाइम ऑफ द डे, एवरी पॉइंट ऑफ द डे दिस वॉक इज ब्यूटिफुल बिकॉज द स्ट्रीट्स आर सो ब्यूटिफुल. Okay, so it's the time to leave this beautiful place and to end this vlog. Do not forget to watch my next vlog of Krabi. Bye.